ट्रेंड्स आता है जाता है, एज डू सम फ्रेंड्स, एंड कुछ ऐसा प्यार भी होता है जो रहता है और चला जाता है। बट एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, मैन शुड एस्पायर टू बी अ जेंटलमैन। यहाँ हम एज अ सोसाइटी इतने कंफर्टेबल बन चुके हैं विद द करंट स्टेटस ऑफ आर मैन, वी हैव लर्न टू जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, एंड उसके अगेंस्ट हम रिवॉल्ट भी नहीं करते। सो हियर आर द फ्यू टिप्स ऑन हाउ टू बी अ जेंटलमैन। फर्स्ट, डिफाइन योर पर्सनल स्टाइल। या जब भी मैं जेंटलमैन सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ सूट टाई वाला रहेगा या मे बी पॉलिश्ड शूज के साथ। बट ऑनेस्टली गाइज, ये सब सोच के मुझे नींद आ जाती है। सॉरी, लकीली द डेफिनेशन हैज इवॉल्व्ड। अभी जेंटलमैन का मतलब कोई पर्टिकुलर सर्टन लुक के साथ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड एंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ। यानी अपना खुद का एक पर्सनल स्टाइल चूज करो, नोट इट डाउन, जानो अपने बारे में, आपका पर्सनल स्टाइल क्या, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल। यू नो, ऐसे कपड़े खरीदो जो आपके पर्सनैलिटी को सूट करे, अदरवाइज क्या होगा, आपको गले पे सैंडविच बोर्ड लटका के चलना पड़ेगा जिस पे लिखा रहेगा आई हैव नो आइडिया हु आई एम। सेकेंड, रिस्पेक्ट वुमेन। रिस्पेक्टिंग वुमेन इज वन ऑफ द ट्रेट यू नो जिससे क्लियरली हमें पता चलता है कि मैन का बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स बिकमिंग अ जेंटलमैन। बट ओवरऑल आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको हर एक वुमेन को वैसे ही सेम रिस्पेक्ट देना है जैसे आप चाहते हो कि आपकी मदर को मिले, आपके सिस्टर को मिले, आपकी वाइफ को, आपके डॉटर को मिले। एंड सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करो सो दैट आप सामने वालों को रिस्पेक्ट कर पाओगे। थर्ड, नेवर मेक एनीवन क्राई अनलेस इट्स टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दैट विंटेज जगुआर जो आप उसको सरप्राइज में देना चाहते थे अपने एनिवर्सरी के लिए, या मे बी कुछ यू नो सरप्राइज गिफ्ट्स उसके बर्थडे के लिए, या मे बी उसने कुछ अचीव किया उसी उसके लिए। जो एक जेंटलमैन होता ना, उसको हमेशा अपने वे से आगे कुछ करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। टू नेवर मेक एनीवन क्राई, ऑनियन काटते टाइम भी रुलाना नहीं चाहिए। विंगमैन, विंगमैन, अभी होता क्या है ये विंगमैन? और बनते कैसे है? यार ये सब मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड आई एम राइट हियर। इन माई अपकमिंग वीडियोज आई विल शेयर अ फ्यू इनसाइडेड ट्रिक्स विंगमैन कैसे बनते हैं। स्टे ट्यून फॉर इट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बैक टू पॉइंट नंबर 4, लिव्स इन नाउ मोमेंट। यू नो इंटरनेट पे काफ़ी ब्लॉग्स है जिसमें यू नो हाउ टू बी अ जेंटलमैन और हाउ टू आइडेंटिफाई वन। उन सब में ना एक की वैल्यू मिस होती है, और की वैल्यू वो है दैट अ जेंटलमैन शुड हैव अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर हिज लाइफ, एंड कोई भी चीज़ को इस अर्थ पे, इस धरती पे ग्रांटेड ना ले। एंड ऑल्सो जेंटलमैन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने खुद की लाइफ की, अपने हैप्पीनेस की और अपने सक्सेस की। जस्ट रिमेंबर, ऑल यू हैव इज टुडे, एंड कल किसने देखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, से प्लीज एंड थैंक यू। अगर कोई भी कभी भी आपके लिए कुछ करता है, अपने वे से बाहर जाके कुछ करता है, जस्ट टेक अ सेकेंड एंड से थैंक यू। इससे आपका ग्रैटिट्यूड दिखता है। सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड इज अ साइन ऑफ कंपैशन एंड मैच्योरिटी। मैनर्स मैटर करता है, एंड इससे ये पता चलता है कि आप सामने वाले को कितना वैल्यू करते हो। सो गाइज, व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जेंटलमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द अर्बन डैंडी।